नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वीएल कांताराव ने सागर में ली जिले के अधिकारियों की बैठक, साथ ही सुरक्षा इंतजामों की जिलेवार जानकारी की प्राप्त। अशोकनगर में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, आमजन को दिलाई गई मतदान करने की शपथ। लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से दतिया में हुई अंतर्राज्यीय बॉर्डर मीटिंग, कलेक्टर श्री आरपीएस जादौन ने कहा एक दूसरे के समन्वय से करे काम। और राघुगढ़ क्षेत्र में दीवार लेखन कर चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान, बनाई गई आकर्षक रंगोली। और अब खबरें विस्तार से। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने आज स्वाइन फ्लू की समीक्षा की। स्वाइन फ्लू की जांच और उपचार के लिए चिन्हित अस्पतालों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मीडिया की कार्यशाला कराने के निर्देश दिए। इसके लिए केंद्र शासन से एक विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया गया है। डॉक्टर जैन ने कहा कि स्वाइन फ्लू के मरीज अक्सर चिन्हित अस्पतालों में काफी विलंब से पहुंचते हैं। देरी के कारण ग्रसित मरीज अति कठिनाई से ठीक होता है या मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर जैन ने प्रदेशवासियों से अपील की कि स्वाइन फ्लू के लक्षण होने पर तुरंत सरकारी या चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। सर्दी, खांसी और बुखार आदि की उपेक्षा ना करें, चिकित्सक के परामर्श अनुसार तुरंत उपचार प्रारंभ करें। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री वीएल कांताराव ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सागर कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में दिए। श्री कांताराव सागर, रीवा, नर्मदापुरम संभाग में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांताराव ने बैठक में मौजूद सभी जिलों के कलेक्टर्स से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम और वीवीपैट मशीन की उपलब्धता और आवश्यकता, चुनाव कराने उपलब्ध मानव संसाधन और उनका प्रशिक्षण, वाहनों की जरूरत, वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों की जिलेवार जानकारी प्राप्त की। गुना जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भास्कर लक्षाकार के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार हेतु गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में राघोगढ़ के ग्राम कोलुआ में युवतियों द्वारा दीवार लेखन में चूल्हा चौका छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो लिखा गया। इसी प्रकार राघोगढ़ के पीपलखेड़ी में भी आकर्षक रंगोली बनाकर मतदान करने का संदेश दिया गया। राजगढ़ जिले के समस्त मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री निधि निवेदिता के निर्देश अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों से अवगत कराने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंडी प्रांगण जीरापुर में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से मंडी प्रांगण में आने वाले किसान भाइयों को अपने मताधिकार के उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। अशोकनगर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा के निर्देशानुसार जिले में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से साइकिल रैली का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। साइकिल रैली नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुए गांधी पार्क, इंदिरा पार्क, तुलसी पार्क होते हुए नगरवासियों को मतदान में सहभागी बनने का संदेश दिया गया। साथ ही सुभाषगंज में लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय बॉर्डर मीटिंग दतिया नगर के मोटल में संपन्न हुई। बैठक में दतिया कलेक्टर श्री आरपीएस जादौन, एसएसपी झांसी डॉक्टर ओपी सिंह, पुलिस अधीक्षक दतिया श्री डी कल्याण चक्रवर्ती, झांसी जिले के सीईओ एसएचओ सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री आरपीएस जादौन ने बैठक में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कहा कि दतिया और झांसी जिले की सीमा मिली हुई है, लोकसभा निर्वाचन में एक दूसरे का सहयोग अपेक्षित है, दोनों जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी आपसी समन्वय और सहयोग से काम करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।